पत्नी के ऑफिस जाते ही पीछे से पति नौकरानी के साथ। पति उमेश की गंदी हरकतों से आयुषी तंग आ चुकी थी। आखिर कितनी मेड बदलेगी वह? उमेश की गंदी हरकतों से परेशान होकर कितनी मेड काम छोड़ गई तो कितनी को आयुषी ने खुद निकाल दिया। आयुषी बैंक में नौकरी करती हैं और उमेश LIC कार्यालय में है। उमेश तो घर से 10-11 बजे निकलता है पर आयुषी को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पावनी 11 साल की और बेटा सन्नी 7 साल का। आयुषी दोनों बच्चों को स्कूल भेज उमेश का लंच पैक कर बाकी का काम बाइक पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता है कि पता नहीं उसके पीछे उमेश और बाई कहीं कुछ। कितनी बार आयुषी ने उमेश को अखबार की ओट से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। आयुषी ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कह एक दिन आयुषी ऑफिस चली गई। आयुषी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वह अपनी दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी आयुषी के पास रहती थी, अतः वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई उसके पैर वहीं ठिठक गए। उमेश और नंदा दोनों आयुषी के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। आयुषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई, उमेश हकलाते हुए कहने लगा। आयुषी, मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने। आयुषी ने बिना उमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम, छी छी। कह आयुषी अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूँ मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। आयुषी ऑफिस तो चली गई पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, न ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता चला तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। उमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं थी कि वह आयुषी के सामने जाए। आयुषी बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी, सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। आयुषी का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा? आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात, सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। आयुषी की तो कमर जवाब देने लगी थी, आखिर वह घर बाहर कितना करेगी? आयुषी ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने पर वह थोड़ी बूढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर आयुषी खुश हो गई, उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई कि उमेश अब बूढ़ी औरत को क्यों घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब आयुषी को कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएगी। सुनकर आयुषी के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी, यह मेरी बहू है रूपा, अब से यही आपके घर काम करेगी। कांताबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर? आयुषी ने पूछा। मैडम जी, अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे, काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है, मगर आप चिंता ना करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। आयुषी ने हाँ तो कह दी
पर फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर आयुषी को डर लगा रहता था कि उमेश की गंदी नज़र कहीं रूपा पर भी न पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। आयुषी के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। आयुषी रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। आयुषी हमेशा उसे कुछ न कुछ दे देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। आयुषी को वह अब मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। आयुषी ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते, रिश्तेदारों सब के बारे में बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रूपा को आयुषी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी कभार लेट भी आती तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उमेश कुछ नहीं कर सकता है। रूपा अब बड़े सलीके से सच धज कर रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और यह तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा, बहुत ही सुंदर रंग है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिला खिला सा लगने लगा था। आयुषी ने पूछा भी, रूपा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। आयुषी को इस बात की हैरानी होती थी कि उमेश इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। आयुषी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है, और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर न आए आज 1 हफ्ता हो गया। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने यह भी कहा कि रूपा का घर आयुषी के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। आयुषी को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है, और वह काम पर आएगी भी या नहीं। संकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई, आयुषी की आवाज़ सुनते ही कांताबाई बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है ना उसकी, आयुषी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करमजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही, कोई बात हो गई क्या, आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी तो और मैं क्या बोलूं, पता नहीं ये कलमोही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। कांताबाई ने बिलखते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा, रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी। आयुषी को जोर का झटका लगा, वह रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, कहीं मेरे पति। फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ कुछ दिन लेट आई थी, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था।
फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। आयुषी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच सोच कर ही आयुषी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। आयुषी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आयुषी को काम करते देखकर एक दिन उमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। आयुषी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रही है। अरे, यह तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती हैं कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती हैं। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो। आयुषी ने उमेश को झिड़कते हुए कहा, लेकिन उमेश को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हालत का जिम्मेदार उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताजुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई। खैर, जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया उसे वह छोड़ेगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो, हकलाते हुए उमेश ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया, पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो। आयुषी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सवालिया नजरों से वह कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई, पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मढ़ने की कोशिश कर रही है, आयुषी ने तेज में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज़्यादा हो गया है, आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी, एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर आयुषी को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशर्म कहीं का सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे, छी, अपना ही सिर पकड़कर आयुषी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को उमेश घर आया तो आयुषी ने उसे कांताबाई की कही सारी बातें बता दी। आयुषी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो उमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत, एक रोज मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है, मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी, तब मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगा रही है, सफाई देते हुए उमेश ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि समय ज़्यादा हो गया है,
जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नजरें उमेश पर गड़ाते हुए आयुषी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बार बार मुझे ये बातें न सुनाओ। उमेश ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। आयुषी रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो उमेश भी नहीं सोया था। आयुषी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और उमेश के ऑफिस जाने के बाद आयुषी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही आयुषी ने आवाज देते हुए कहा। कांताबाई आयुषी को अंदर अपनी कोठरी में ले गई। आयुषी ने कहा, रूपा, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, आप मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, कर दिया, अब बताओ। दीदी, आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी, जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि एक कप चाय बना दो फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोली कि रूपा थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी यानी आप इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती हैं। चाय क्या, उसके बनाए खाने में भी स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ न बताऊं। वे अब रोज मेरी तारीफ करने लगे। बोलते बोलते रूपा चुप हो गई। रूपा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है? उनकी नज़रों और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगे, देखो रूपा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो शरीर की ज़रूरत है और सभी को चाहिए ही। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती हैं। साहब रोज मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ न बताना, कभी भी किसी चीज़ या पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल संकोच मत करना, तुम जरा लेट ही काम करने आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। आयुषी ने कहा, आगे क्या हुआ वह बताओ, इसीलिए मैं देर से आने लगी। साहब की बातें मुझे भी अच्छी लगने लगी थी, साहब के लिए ही मैं सज संवरने लगी थी। आपके घर से जाते ही साहब मुझसे प्यार भरी बातें करने लग जाते थे और मेरी बहुत तारीफ करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं शर्मा जाती। धीरे धीरे साहब मेरे करीब आने लगे, कभी मेरे हाथों को तो कभी गालों को छूने लगे। मुझे साहब के पास होने का एहसास अच्छा लगने लगा था, मैं भी उनके ख्यालों में डूबती जा रही थी। फिर एक दिन जब मैं साहब के लिए रसोई से चाय बना रही थी तभी साहब ने मुझे पीछे से आके अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगे। मैंने साहब की बाहों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन साहब ने मुझे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। आखिर मैं भी विरह की मारी तन्हा औरत ही तो हूँ, कब तक खुद को रोक पाती? मैं भी साहब के साथ बहक गई। फिर हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बस फिर तो ये सिलसिला हर रोज़ यूं ही चलने लगा। तभी एक दिन मुझे चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे चेक करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं घबरा गई। मैंने दूसरे ही दिन ये बात साहब को बताई लेकिन साहब ने कुछ पैसे मेरे हाथों में रख के मुझे कहा कि ये हमारे बीच जो कुछ भी हुआ कभी किसी को मत बताना और आज के बाद कभी काम करने मत आना यहाँ। तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे घर पर ही भेज दूँगा। बस तभी से मैंने काम पर आना बंद कर दिया। दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब सुन के आयुषी के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उमेश ने एक बार फिर उसे धोखा दिया, झूठ बोला, उसे दो राहे में खड़ा कर दिया था। यही सब सोचते हुए
आंखों में आंसू लिए आयुषी अपने घर पहुंची और अपना और बच्चों का बेग पेक करने लगी, क्योंकि आयुषी ने अब फैसला कर लिया था कि वो इस बार उमेश को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी और ना ही अपने बच्चों को ऐसे घटिया आदमी के साय में रखेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।